हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोस में आपने ये समझा कि एचटीएमएल के एलिमेंट्स को किस तरह से हम अपने पेज पर यूज़ करते हैं। आज हम एक डेमो पेज बना के देखेंगे। बिल्कुल यही पेज आप भी बना सकते हैं और मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो आइए सीखते हैं कि इस पेज को कैसे बनाएंगे। इस पेज में मैंने एचटीएमएल 5 के कुछ एलिमेंट्स को यूज़ किया हुआ है जो कि नए हैं, जो पहले एचटीएमएल 4 में नहीं थे। ये एलिमेंट्स हम समझते हैं। पहले यहाँ पर एक हेडिंग दिख रही है और इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमारे साइट का एक हेडर पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से हेडर पार्ट के ठीक नीचे तीन लिंक बने हुए हैं जो कि होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट हैं। इनको हम नेविगेशन बार बोल सकते हैं या ये नेविगेशन कंट्रोल्स हैं। इसके ठीक नीचे हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक साइड बार हम लोग देख सकते हैं जिसमें लैंग्वेजेस और अदर टॉपिक के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, और राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ सेक्शंस बने हुए हैं और हेडिंग और पैराग्राफ मेंशन किया है। और इसी तरह से अगर हम सबसे बॉटम में देखें तो सबसे बॉटम में हमारे पास कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन है जो कि ये फुटर के अंदर मेंशनड है। चलिए हम ये समझते हैं कि अब पूरी साइट को स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका हेडर पार्ट आ रहा है। हेडर पार्ट में का अगर हम टैग का यूज़ देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा जिसमें हमने हेडर के अंदर एक हेडिंग और एक P1 टैग क्रिएट किया। इसके ठीक नीचे आपके नेविगेशन लिंक्स हैं और ये नेविगेशन लिंक्स आपके जो क्रिएट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ पर हमने HTML5 का एक NAV टैग यूज़ किया जो स्टैंड करता है नेविगेशन के लिए, नेविगेशन लिंक्स के लिए, यानी कि ये अपने अंदर कुछ नेविगेशन लिंक्स कंटेन करेगा जो कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये कुछ लिस्ट एलिमेंट में मेंशन किए जो कि फर्दर एक एंकर टैग को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने तीन हाइपर लिंक क्रिएट किए जो तीन अलग अलग पेजेस को ओपन कर सकते हैं जो कि होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट के लिए हैं। इसके ठीक नीचे दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन हमारा है साइड बार सेक्शन जो कि असाइड टैग कहलाता है और ये हमारे मेन कंटेंट हैं। तो पहले मैं इनको एक सिंपल तरीके से एक असाइड टैग ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और एक टैग मेरा मेन सेक्शन रहेगा। इसको मैं कोड बाद में करूँगा, लेकिन इसके ठीक पहले मैं यहाँ पर सबसे बॉटम में मेरे पास फुटर है, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह से फुटर सेक्शन है मेरा। मैंने फुटर टैग का यूज़ किया और इसके अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट है। मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। इस समय मैं विजुअल स्टूडियो एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस बार विजुअल स्टूडियो अपनी चॉइस में सेलेक्ट किया है। अब मैं इस पेज को विजुअल स्टूडियो में अगर रन कर रहा हूँ तो राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र करके देखता हूँ तो यहाँ पर ये एलिमेंट कुछ इस तरह से आ गए। डेमो साइट जो कि साइट का हेडर पार्ट है, और लर्निंग प्लेटफॉर्म ये ठीक उसके नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट था जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। मेरे तीन हाइपरलिंक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ये आपके इस समय यहाँ पर इस तरह से दिख रहे हैं, और सबसे बॉटम पर फुटर की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करी थी इस डेमो पेज में, वही बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मैंने एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर दी। अभी हम इसकी लेआउटिंग पर नहीं जा रहे हैं जो कि हम CSS से करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन अभी हम इस पेज में जितने एलिमेंट हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्लेस कैसे करना है इस चीज़ को सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग CSS के थ्रू करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा काम यह है कि हमारे असाइड बार सेक्शन में कुछ हाइपरलिंक आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर दो हेडिंग्स आ रही हैं और उसके अंदर में कुछ हाइपरलिंक्स हैं। तो पहले आइए साइड बार क्रिएट करते हैं। मैं कुछ इस तरह का सेक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग दी लैंग्वेजेस और तीन लैंग्वेजेस के हाइपरलिंक दे दिए। बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरा सेक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर भी मैंने एक हेडिंग यूज़ करी और कुछ हाइपरलिंक उसके नीचे दे दिए। तो ये वो तरीका होगा जिससे कि हम अपना साइड बार क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को, तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेजेस और अदर टॉपिक्स आ गए। अभी इन कंटेंट के प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, इनकी फॉर्मेटिंग की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे दिख रहे हैं इसको हम छोड़ते हैं, और सिर्फ ये प्लेस होकर के कैसे आ रहे हैं इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पर जो कि ये है। इस मेन पार्ट को देखें तो इसमें हमने मेन हेडिंग दे रखी है, उसके अंदर में सब हेडिंग है, उसके बाद कुछ एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ उन टॉपिक्स की डिटेल्स है जो मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है। इसी तरह से दूसरी मेन हेडिंग आई, उसके अंदर कुछ टॉपिक आए, देन उसके अंदर के कुछ पैराग्राफ आए। इस तरह से यहाँ पर इसको डेवलप किया गया। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे डेवलप करेंगे। ये हमारा मेन सेक्शन है। मेन टैग के अंदर हम सेक्शन टैग का यूज़ करेंगे और इस सेक्शन को कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाएगा जिसमें हमने एक सेक्शन बनाया और इस सेक्शन की एक मेन हेडिंग हमने दी H2 का यूज़ करते हुए लर्न वेब टेक्नोलॉजीज़, और इसके अंदर हमने तीन आर्टिकल्स क्रिएट किए।
ये आर्टिकल भी फर्दर टैग हैं। इसके अंदर हमने हेडिंग और पैराग्राफ का यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को प्लेस किया। ये एक सेक्शन है, इसी तरह का दूसरा सेक्शन भी हम बनाएंगे। इस सेक्शन में अगला टॉपिक शुरू हो गया, लर्न मैथमेटिक्स। इसके अंदर हमने एलजेब्रा, कैलकुलस और पाइथागोरस के बारे में डिटेल दी। तो ये तीन आर्टिकल्स इसके अंदर भी आ गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहला सेक्शन बनाया उसी तरह से इसको हमने दूसरा सेक्शन क्रिएट किया। अब आते हैं इसको, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। पेज को हम जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारी साइट पर ये कंटेंट, अभी आपको ये नहीं देखना है कि ये सेक्शन राइट साइड क्यों नहीं गया। हमने कंटेंट का प्लेसमेंट पहले कर लिया, जिसमें हमारी मेन हेडिंग लर्न वेब टेक्नोलॉजीज़ और उसके अंदर के टॉपिक्स व्हाट इज़ एचटीएमएल, व्हाट इज़ सीएसएस, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, ये तीन टॉपिक इसके अंदर आए। साथ में लर्न मैथमेटिक्स हमारा दूसरा मेन टॉपिक आ गया, जिसके अंदर के सब टॉपिक्स आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं और सबसे नीचे फुटर इन्फॉर्मेशन। तो ये वो सारे कंटेंट हमने प्लेस कर लिए जो कि हमने इस डेमो साइट में डिस्कस किया। बस इस साइट और इस साइट में डिफरेंस ये आ रहा है कि इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है और यहाँ पे इस साइट को फॉर्मेट किया गया है। फ्रेंड्स, एचटीएमएल के साथ साथ हम एक टॉपिक है सीएसएस, उसको मैं बहुत डिटेल में नहीं लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका यूज़ करते हुए इस साइट की फॉर्मेटिंग को करना देखेंगे, जिससे कि आप एक बेसिक सीएसएस पे काम करके कैसे अपने पेज को तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर